बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, मैं अभी आपको जो ये रोड दिखा रहा हूँ ये सीधी रिमझिम टावर से है। रिमझिम टावर से 200 फीट चौड़ी रोड आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, ये मैं आपको सफारी इनक्लेव के ऊपर लेके खड़ा हूँ। और पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी लोकेशन के बारे में बता दूँ, उसके बाद मैं आपको इसकी 2x DD का अपार्टमेंट जो हमारे पास सेल के लिए आया हुआ है और फिर वो आपको हम दिखाते हैं। पहले आप ये देख लें, 200 फीट चौड़ी रोड सामने है, बिल्कुल ये रोड सीधी जा रही है सादी टाउन, सीधी सादी टाउन जा रही है। और इसी रोड पर ही अमरा सोसाइटी भी है और बड़े बड़े प्रोजेक्ट इसी रोड के ऊपर है। तो ये 2x DD का अपार्टमेंट मैं भी आपको अंदर से दिखाता हूँ। तो ये इसकी एंट्रेंस है और इसकी दो एंट्रेंस हैं, मैं अभी दूसरे वाले पे खड़ा हुआ हूँ और ये मैं आपको अंदर लेके जा रहा हूँ। ये हम आ गए, ग्राउंड प्लस जो है वो 10 की बिल्डिंग है, ये हम अंदर आ गए। ये इन्होंने यहाँ पे फवारा लगाना है और जिसे आप माउंटेन कहते हैं, ये बिल्कुल फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो है एमिनिटी फ्लोर है, जिसे आप बच्चों के लिए किड्स एरिया कह लें। ये मैं आपको दिखाता जाता हूँ, ये देखिए। और थोड़ा सा बारबेक्यू का भी सेटअप बन सकता है यहाँ पे, ये बना हुआ है, बल्कि यहाँ पे आप लोग यहाँ पे आके बैठते हैं। और अभी जब हम वीडियो बना रहे हैं तो उस टाइम भी लोग कुछ यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये देखें। ये मैं सफारी इनक्लेव में हूँ जहाँ पर 2x DD का और 3x DD का अपार्टमेंट हमारे पास आया हुआ है सेल के लिए। ये लिफ्ट का एरिया है और ये इसकी स्टेयर्स हैं। और ये देख लें आप, कॉरिडोर का एरिया देख लें। तो यहाँ मैं आपको अभी 2x DD का अपार्टमेंट दिखा रहा हूँ जो कि सेल पे आया हुआ है। और ये देख लें, ये मैं जा रहा हूँ अभी इसके अंदर। अच्छा, ये मैं आपको अब 2x DD, क्योंकि पहले मैंने आपको प्रोजेक्ट दिखा दिया, अब मैं 2x DD का अपार्टमेंट जो सेल पर आया हुआ है उसके एंट्रेंस में लेके जा रहा हूँ। ये राइट हैंड पे इसका ड्राइंग रूम है और फोर्थ सीलिंग का काम हुआ हुआ है, ये देख लें आप। ये अच्छा, ये वेस्ट ओपन है, ये मैंने आपको पहले इसका ड्राइंग रूम दिखा दिया। और ये इसका टीवी लाउंज, और टीवी लाउंज के साथ जो है वो इसका किचन, किचन भी रेडी है। और अभी इसकी पन्नियाँ भी नहीं उतरी हैं, आप देख रहे हैं इसको, वो चढ़ी हुई है। ये किचन है इसका, आप हमारी वीडियो देखते हैं, हम लोग बड़ी डिटेल में वीडियो बनाते हैं। और किचन इसका रेडी है, ये मैंने आपको दिखा दिया। और इसमें एक अदद कॉमन बाथरूम भी दिया हुआ है, ये देखें, ये कॉमन बाथरूम है, वहाँ पे इसमें नहाने का भी दिया हुआ ऑप्शन। और ऊपर जो है इसके वार्डरोब्स भी बनी हुई है, मतलब आप छोटा मोटा सामान अपना इधर भी रख सकते हैं। और उसके साथ 2 बेडरूम, ये 2 बेडरूम है इसके। ये पहला बेडरूम है जिसके अंदर जा रहा हूँ मैं, ये सामने इसका वॉशरूम और बालकनी है इसके साथ, बालकनी भी है, और बालकनी कम टेरेस ज़्यादा है ये। और यहीं पे आप देख लें, जो हमने बताया कि इसके साथ पीछे जो है वो हंसा सोसाइटी है इसके। और ये वेस्ट ओपन है, ये देखें, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये दानियल रेजिडेंसी सामने आपको नज़र आ रहा है। और ये दूसरी सोसाइटी जो आपको सामने नज़र आ रही है, ये वो है हंसा सोसाइटी है। और यहीं पर इन्होंने वॉशिंग एरिया भी दिया हुआ है, ये देखें, ये दूसरा वाला रूम है। अच्छा, मज़े की बात ये, वरना लोग एक कमरे से डोर लगाते हैं, दूसरे कमरे में नहीं होता, इसमें आप दोनों बेडरूम से जो है आपके साथ डोर दिए हुए हैं। ये देखिए, मैं आपको दूसरा वाला दिखा रहा हूँ अभी, ये दूसरा बेडरूम है इसका, और इसमें भी डोर दिया हुआ है, ये देखें। मैंने आपको दिखाया, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर होता यही है कि लोग जो है एक में डोर देते हैं और एक के अंदर जो है वो विंडो देते हैं। लेकिन ये देखें, इसका बाथरूम, ये मैंने आपको ये दिखा दिया पूरा, ये मैंने इसके दोनों बेडरूम आपको दिखा दिए। 1050 जो है ये मैं आपको, अच्छा इसका मैंने आपको बताया, ये 1050 इसका नेट एरिया है इस 2x DD के अपार्टमेंट का। और ये मैंने आपको किचन दोबारा दिखा दिया, और ये सामने इसका ड्राइंग रूम है। और मैंने बताया आपको कि ड्राइंग रूम में फोर सीलिंग का काम हुआ हुआ है, ये देखें। मैंने आपको पूरी ड्राइंग रूम भी दिखा दिया, और मैं ये अब इसके बाहर जा रहा हूँ। ये वेस्ट ओपन है, और ये देखें, ये इसका कॉरिडोर का एरिया, ये मैंने आपको दिखाया था, निकलते हैं लिफ्ट है इसके साथ। और ये लिफ्ट मैंने पहले भी दिखाई है आपको,
ये देखें, ये इसका कॉरिडोर है और ज़्यादा अपार्टमेंट नहीं है इसका, पर बड़ा अच्छा खूबसूरत सा बनाया हुआ। ये देखें, ये देखें आप, दो लिफ्ट्स मौजूद हैं हर फ्लोर पे। ये अली लिफ्ट भी है और एक दूसरे वाली साइड पे, जो कि 2x DD वाली साइड है। बाकी स्टेयर्स दी हुई हैं, दो स्टेयर्स दी हुई हैं, एक ये स्टेयर्स ये दी हुई हैं, और बेसमेंट पार्किंग है और ग्राउंड पार्किंग है इसकी। ये देखें आप, दो बेसिकली स्टेयर्स रस्ते दिए हुए, और खामोशी से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि साफ़ सुथरा प्रोजेक्ट है। और ये देखें, ये एरिया इस तरह आप पे फ्लैट्स बने हुए, और इसकी डिमांड ये 1.25 करोड़। ये देखें, ये मैं जिस अपार्टमेंट के लिए हम यहाँ पे आए हैं, इसके नीचे ही इसका प्लेग्राउंड है। जो प्लेग्राउंड आपको मैंने अभी दिखाया था वो नीचे ही बना हुआ है। और ये देखें, तो ये मैंने आपको दिखा दिया पूरा। ये सेकंड फ्लोर का अपार्टमेंट है, वेस्ट ओपन है, और 1.25 करोड़ इसके डिमांड है। ट्रांसफ़र के साथ बता रहे हैं कि ट्रांसफ़र के पैसे भी इंक्लूड होंगे इसमें। तो भाइयों, आप लोग जो लोग भी इंटरेस्टेड हो वो कांटेक्ट करें। अच्छा अपार्टमेंट है, वेस्ट ओपन है। ठीक है भाइयों, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। सफारी इनक्लेव। ओके भाइयों, अल्लाह हाफिज़।